सर, ये जो ज़मीन दिखाई दे रही है यहाँ से वहाँ तक जो हमने खरीदी है अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, थोड़ी सी कम पड़ रही है। लेकिन सर, हमारी ज़मीन के बराबर एक खेत है और उस खेत को बेचने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए सर, इसमें हम क्या करें? देखो, हमने इस ज़मीन को ख़रीदने में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। हम इस ज़मीन को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हमारी फैक्ट्री यहीं पर लगकर रहेगी। चलो, इस खेत के मालिक से मैं बात कर लूँगा। चलिए सर। सर, इस साइकिल वाले को देखना, हम लोग इतनी देर से हॉर्न दे रहे हैं और बिल्कुल भी साइड नहीं दे रहा है। हाँ, क्योंकि ये गांव के लोग हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता है। तुम गाड़ी इसके आगे लगाओ और इससे बात करो। ठीक है सर। अबे ओए, साइकिल रोक। और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है पीछे से गाड़ी आ रही है और तू बीच रोड पर साइकिल चला रहा है? तेरे बाप का रोड है क्या, साइड में नहीं चल सकता है? अबे सैरी टट्टू, तमीज में रह के बात कर, नहीं तो तेरी सारी अगड़ी 2 मिनट में निकाल दूंगा। अरे पुष्पेंद्र, क्या हुआ? अरे सर, ये तो बहुत अकड़ रहा है, आइयो जरा। अच्छा, इन गाँव वालों की इतनी हिम्मत? अभी आता हूँ, मैं निकालता हूँ इसकी अगड़ी। हाँ बे, क्या बोल रहा है तू? अबे क्या कर लेगा तू? अबे यार विकास, तूने पहचाने नहीं मुझे? मैं तेरा दोस्त सतीश। पता है तुझे, हम लोग कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। अबे मेरा दोस्त सतीश, लेकिन आज हमारे गांव में कैसे? हाँ यार, मैंने तेरे गांव के पास कुछ ज़मीन ले ली है फैक्ट्री बनाने के लिए, इसी सिलसिले में मैं तेरे गाँव आया हुआ हूँ। चल यार, ये तो बहुत खुशी की बात है और तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आप घर चलते हैं। अरे पुष्पेंद्र आओ, ये मेरा दोस्त विकास है, इसके घर चलते हैं। अरे प्रदीप, साइकिल घर पहुँचा देना। चल बैठ विकास। अरे भैया। हाँ छोटे। अरे सतीश, इनसे मिलिए, ये है मेरे बड़े भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। कौन है छोटे ये लोग? भैया ये मेरा दोस्त है और शहर में रहता है। चल छोटे, अच्छी बात है, इन लोगों के लिए पानी वानी पिलवाओ जाकर, ठीक है? वो भैया ये आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। अच्छा चलो ठीक है, आओ बैठ कर बात करते हैं। आओ बैठो। थैंक यू भैया। विकास एक काम कर, पानी की बोतल ले आया कर। ठीक है भैया। हाँ तो क्या बात करना चाहते थे आप लोग मुझसे? भैया हमने आपके गांव के पास ज़मीन खरीदी है और हम उसमें फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी जगह हमें कम पड़ रही है और वहाँ पर ज़मीन है भी तो उस ज़मीन का मालिक उसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया आप उससे बात कर लेना, वो जितना पैसा मांगेगा हम उसे दे देंगे। लो, सबसे पहले तो तुम लोग पानी पियो। देखिए, आप हमारे गांव के पास में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप हमारे गांव के पास में फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारे गांव का पानी जो पूरी तरीके से दूषित हो जाएगा और गांव के लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आप मेरी राय माने तो इस फैक्ट्री को गांव के पास में ना लगाकर किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर कोई गांव नहीं बसता हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता यदि आप मेरे गांव के पास में फैक्ट्री लगाओगे तो। देखिए भैया, वो ज़मीन हमने पूरे 5 करोड़ रुपये में खरीदी है, यदि आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम फैक्ट्री तो वहीं पर लगा कर रहे हैं। आप लोग जरा बात कीजिए, मैं आता हूँ। यार विकास, तेरे भैया तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
देखिए सर, आपने भी 50 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया था मेरे अकाउंट में, वो तो आ चुका है, लेकिन आप पर अभी 50 लाख रुपये और बचा है हमारा। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप उसे कैश में भेजें। ठीक है, आज आप लोग भेज दीजिएगा, मैं घर पर ही हूँ। यार विकास, एक बात बता, कल तेरे भैया किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे 50 लाख रुपए अकाउंट में व 50 लाख रुपए कैश की बात कर रहे थे, यार तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो हमारा एक खेत ना एक्सप्रेस वे में आ गया और सरकार ने हमें उसी खेत का 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था और भैया उसी पैसे की बात कर रहे थे। यार तुम लोगों के पास इतना पैसा आया, फिर भी मैंने तुझे साइकिल से चलते देखा है और तेरे भैया बुलेट से चलते हैं। यार अब साइकिल का ज़माना नहीं है, तू भी अपने भैया से बाइक की मांग कर। यार आखिर कब तक साइकिल से चलता रहेगा तू? बात तो तेरी सही है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। चल मैं भैया से अभी बाइक की डिमांड करता हूँ। तो चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। सारा दिन होका चल तेरे यार का को ना फालतू की बात मयो टाइम गाड़ दे, खेत का मैं राजा नीचा रवली लफोड़ को ना ओडिया का शौक जमींदार पाल दे, तू तो पैरा से ब्रांड मेरी लुक देसी रे, मेरे भोले बाले यार कांदे रख किसी रे, मना इना गेला आवे से सवाद जीण का, ओ तेरे शहरा वाले चोचले ये आते ना पसंद, तू तो शौक रख 12 मिनट किला पीण का, तेरे शहरा वाले चोचले ये आते ना पसंद, तू तो शौक रख 12 मिनट किला पीण का। हाँ छोटे, कैसे आया? वो भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल छोटे। भैया आप कहीं भी जाते हो तो अपनी बुलेट से निकल जाते हो और मुझे साइकिल थमा देते हो। अब मैं साइकिल से नहीं चलूँगा, मुझे भी बाइक चाहिए, चाहिए तो चाहिए। छोटे आज तू ये कैसी बातें कर रहा है और तुझे हो क्या गया है? आज बाइक की बात बीच में कहाँ से आ गई है? चल ठीक है, अगर तू बाइक की जिद करता है तो मैं कहीं से अरेंज करता हूँ बाइक। तू घर पहुँच, मैं आता हूँ अभी खेत की जुताई करके। ठीक है चल जा। ठीक है भैया, पर मुझे बाइक चाहिए और आज। अरे छोटे। हाँ भैया। आ गया तू? तूने बाइक के लिए बोला था ना मुझसे? देख ये खड़ी है और ये ले इसकी चाबी। और छोटे तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे बाइक दिलाना नहीं चाहता? मैं तुझे तब से बाइक इसलिए नहीं दिलाना चाहता क्योंकि मैं हर रोज़ देखता हूँ कि रोड पर इतने एक्सीडेंट होते हैं और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ ऐसी कोई घटना घटे। इसलिए अब से तू इस बाइक को चलाएगा तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएगा। ठीक है? ठीक है भैया, चल जा। सर इन गांव वालों के पास इतना पैसा, वो भी 1 करोड़ रुपया। सोचो अगर वो पैसा अपने हाथ लग जाए तो सर अपनी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। हाँ सही कहा पुष्पेंद्र तूने, इसीलिए तो मैं विकास को उसके भाई के खिलाफ भड़का रहा हूँ। और ये देख विकास भी आ गया, चुप हो जा। सतीश आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने भैया से कहा और भैया ने मुझे बाइक दिला दी। हाँ मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अपने भैया से बाइक की मांग कर और देख तेरे भैया ने बाइक दिला दी। विकास तू एक काम और कर, तेरे घर पर जो 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपए तेरे भाई के अकाउंट में है व 50 लाख रुपए कैश हैं, तो तू ऐसा कर वो कैश वाले रुपए अपने खाते में डलवा ले और क्या पता तेरे भैया की नीयत कब बदल जाए। लेकिन यार मेरा तो अकाउंट भी खुला हुआ नहीं है। तो तू चिंता क्यों करता है, तू वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल सकता है और तुझे जब भी ज़रूरत हो मेरे अकाउंट से निकाल लेना। चल ठीक है, आज शाम को मैं पैसे दे दूंगा, तू मेरे घर आ जाना और पैसे ले लेना। अरे वाह सर, तुमने तो इसे 2 मिनट में ही पढ़ा दिया और मुझे लगता है कि अब वो पैसा हमारा हो गया। लगता नहीं है, अब यह समझो कि वो पैसा हमारा ही है। चलो अब निकलते हैं। चलिए सर।
अरे विकास, वो काम हुआ? अभी करवाता हूँ। अरे भैया, जो अपने घर पे 50 लाख रुपए रखे हुए हैं, आप वो मुझे दे दीजिए, मैं अपने खाते में जमा कर दूंगा। चल ठीक है छोटे, वो तो घर पर रखे हुए हैं, आ भी देता हूँ। चलो। देख छोटे, अलमारी में पैसों का बैग रखा हुआ है, जा तू निकाल के लेके आ। बैठो तुम लोग। अरे भैया, ये यहाँ से वहाँ तक जो जमीन दिखाई दे रही है, आप ही की है क्या? हाँ, ये सारी जमीन हमारी ही है और इसमें हम खेती करते हैं। अरे भैया, मुझे पैसों का बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है छोटे, मैं अभी आता हूँ। सर, ये जितनी भी जमीन है ना, हमारी फैक्ट्री लगाने के लिए काफ़ी है। और सर, किसी न किसी बहाने से इस एग्रीमेंट पर इसके बड़े भाई की साइन करा लें तो ये ज़मीन हमारी हो जाएगी। हाँ सही कहा तूने, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, इसलिए तू मेरी कंपनी का मैनेजर है। चल विकास को भी आने दे, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है सर। जी सतीश, इसमें पूरे 50 लाख रुपये हैं। अच्छा विकास, एक काम और कर, इस फाइल पर अपने बड़े भाई के साइन करा दे, फिर तेरे सारे पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। चल ठीक है, अभी करवाता हूँ। अरे भैया, इधर आना यार, इस पे साइन कर दो। ये लो। अरे विकास, तुम दोनों भाई तो बहुत बेवकूफ निकले। क्या क्या मतलब है तेरा? हाँ, तुम्हारी ये जितनी भी जमीन है ना, ये अब हमारी हो चुकी है और अब हम अपनी फैक्ट्री यहीं पर लगाएंगे। क्या बकवास कर रहा है तू? अब इससे कुछ नहीं होने वाला। कॉलर छोड़, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, क्योंकि तुम लोग ऐसे मानने वाले नहीं हो। इंस्पेक्टर, एक मैटर हो गया है, जल्दी आओ। ठीक है, अभी रुको, पुलिस आने वाली है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू पैसे के लिए इतना गिर सकता है, और तू दोस्ती के नाम पर कलंक है। सुन बे, पैसों के आगे दोस्ती कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, समझा? और ये देख, पुलिस भी आ गई। हाँ भाई, क्या मैटर है? देखिए इंस्पेक्टर, ये जमीन हमने इन लोगों से खरीदी है, और ये रहे इस जमीन के कागज और इन लोगों के साइन, और ये रहे 50 लाख रुपये, और फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ भाई, ये जमीन तो इनकी है। देखिए इंस्पेक्टर, ये मेरा दोस्त है और इसने मेरे साथ धोखा किया है। रुक छोटे तू, इंस्पेक्टर ये जितनी भी ज़मीन है ना, पहली बात तो इस ज़मीन पर जो साइन हो रहे हैं ये मेरे साइन हो रहे हैं, और ये ज़मीन मेरे नाम ना होकर मेरे छोटे भाई के नाम पर है। इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, और ये जितने भी पैसे हैं ना, 50 लाख रुपये, ये हमारे पैसे हैं, क्योंकि हमारा एक खेत एक्सप्रेस वे में आ गया था, उसी का मुआवजा मिला था हमारे लिए। ये मैं इन लोगों की चाल को तभी समझ गया था कि ये लोग हमारे साथ धोखा करने वाले हैं। गिरफ्तार कर लो इन्हें और लेकर जाओ जेल। चलो भाई चलो। सॉरी भैया, आज मेरी वजह से हम लोग बर्बाद हो जाते, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि ये सारी जमीन मेरे नाम पर है। कोई बात नहीं छोटे, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू कहीं गलत लोगों की संगति में पड़कर इस जमीन को बेच ना दे। चल अब खेत की निराई करने चलते हैं, और ले ये पैसों का बैग घर में रख कर। ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आप सभी के लिए ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना है, और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके वीडियो को जल्दी से हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ गाइस, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो यार, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पर आपको मेरा यूजर नेम दिखाई दे रहा है, rohitasrana21, तो जिसने भी फॉलो नहीं किया जल्दी से जाकर फॉलो करो। और गाइस, इस समय लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश के अंदर, और कोरोना बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे देश में फैल रहा है, तो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इसीलिए हम लोग भी अपने गाँव के आसपास में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी इस समय बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो गाइस, इसी तरीके से अपना प्यार इस वीडियो पर, सभी वीडियो पर बनाए रखना, और बहुत ही जल्द धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे जैसे ही कोरोना का असर कम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।